हॉर्न बज रहे हैं हर जगह, लेकिन शो का नाम है हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी, इट्स ऑन हिस्ट्री टीवी 18 एंड वी आर इन मुंबई। थोड़ा जोश में कहते हैं, और जोश में हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी सीजन 2 ब्रॉट टू यू बाय हिस्ट्री टीवी 18 प्रेजेंटेड बाय महाराष्ट्र टूरिज्म, और आज है अब मुंबई में। यू सी व्हाट आई मीन, थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा एक्शन उस टाइप का, थोड़ा एक्साइटमेंट और करूं इसको बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखो माय थिंग, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज़ यू आर माय सीनियर ऑफ कोर्स। हाउ मेनी इयर्स आर माय सीनियर? आई थिंक यू माइट जस्ट बी यंगर देन मी। नो आई डोंट थिंक, आई थिंक आई एम योर सीनियर। आई थिंक मेरे बाल तो सफेद हो गए पूरे, और मैं दाढ़ी डाई करके आता हूं बाय द वे, फुल डिस्क्लोजर। मैं बीच में करता था बाल डाई, लेकिन वो गंदे दिखने लगे थे। अच्छा नहीं, बट लिसन, व्हेन यू डू योर शोज यू आर सो काम एंड रिलैक्स्ड। I want to see you animated and jumping around a little. You see, I don't have a partner who will make me animated. अभी आप मेरे साथ करोगे animation, तो मैं भी animated हो जाऊँगा। But I love those characters that you play. I've just come from that shoot. I played 3 characters and come. Oh, so let me do a Kunal Vijay character. Let me do that. It's a beautiful day in Mumbai. We brought you here to a really exciting eatery, and no matter how many differences I may have with people, the one thing we There's only one difference. Huh. The one difference is that I'm trying to do the show in English, but I'm trying to speak in Hindi. So it starts with "मैं अभी बम्बई में हूँ" and then my Hindi fails me. अच्छा इतने में खत्म है? इतने में खत्म हो जाती है मेरी। तो देखिए, I think one thing we can agree on. We have a difference of styles. Of course. The thing we agree on is Cafe Mondegar has got fantastic food. Listen, I have been eating here since I was in college. I was a teenager. खाना बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है। दो हिंदी की लाइन एक साथ दो, चलो आइए, विल टेल यू मोर अबाउट द फूड। कम ऑन। ऑलरेडी स्टार्टेड। देखिए कुणाल, मैं यहां पहले 30 साल पहले आया था। हां, फिश पोर्टो फिनो जो व्हाइट वाइन से बनती है, ये मेरी फेवरेट तब भी थी और अब भी है। आई लव इट। लेकिन इस जगह की खासियत यही है कि आप देखो टेबल के नीचे जो मेन्यू है, इतना वास्ट है। कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, चाइनीज है, ईरानी भी हो सकता है यहाँ कुछ। नहीं, ईरानी रेस्टोरेंट है ये पूरा। ईरानी रेस्टोरेंट तो है ही। हाँ? लेकिन ईरानी डिशेस है या नहीं मुझे अभी याद नहीं। लाइक द चेलो कबाब्स एंड ऑल दे यूज्ड टू डू ना। आई डोंट नो। ना बन मस्का भी है। बन मस्का चाय, कीमा पाव भी है। पाव अकूरी, वेरी नाइस। सो आपके फेवरेट्स क्या हैं यहाँ पर? दिस चिली चीज टोस्ट आई लव। लवली। लुक एट द साइज ऑफ द प्रॉन्स, अ बिग प्रॉन्स। तो ये मुंबई में बहुत लकी है आप लोग हैं। सी फूड आपको मिल जाता है बाजू में, बाकी सब कुछ साथ में है। महाराष्ट्र के स्पाइसेस हैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन मुंबई एंड ईटिंग फूड। बट लिसन, ये जो दीवारें हैं, इट्स ब्यूटीफुल आर्टवर्क, इज लॉट ऑफ हिस्ट्री इसके अंदर। रेस्टोरेंट स्टार्टेड इन 1932। हां, आई वाज 3 इयर्स ओल्ड व्हेन द रेस्टोरेंट स्टार्टेड। इट्स जस्ट लाइंग हियर, ही इज वेरी यंग, नेवर रियली यंगर देन मी। एंड व्हेन दे रेनोवेटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे मॉडर्नाइज्ड इट, they got Mario Miranda, the famous cartoonist, to come and do all the walls. यहाँ पे किसी टाइम पे जो कस्टमर्स थे वो प्रीडोमिनेटली ब्रिटिश हुआ करते थे एंड अपर क्लास इंडियंस, रिच इंडियंस। करेक्ट। अब वो धीरे धीरे मुंबई की कल्चर की तरह धीरे धीरे बदल के अब सारी दुनिया से लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। बट द फूड इज स्टिल स्पेक्टेक्युलर। क्योंकि हम जिस रोड पे है कुलाबा कॉजवे, ये इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द सिटी। And also a lot of tourists come here because Lokhandwala jaake tourism to nahi kar sakte. Kuch nahi. To uske liye yahan aana hi padta hai. Fountain, Gateway of India. Everything. So how do you like Mumbai, Kunal? Aap aisa Mumbaikar. Aapko kaisa lagta hai rehna yahan? I'm a hardcore Mumbaikar. हाँ. मेरा जन्म यहाँ हुआ है। हम 700 सालों से हमारी पीढ़ियाँ यहाँ रह रही हैं। क्या बात? So I don't have another village. सब बोलते हैं मैं गाँव जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ गाँव नहीं है। मेरा यही मेरा गाँव है। गाँव तो रूखी सूखी खाने कैफे बोडेगा आ जाते हैं। और हमारा ये इवन दिस कॉन्टी जो आप बोल रहे हो ना फिश, इट इज हार्डली यूरोपियन, इट इज इंडियन। इट्स गॉट एन इंडियननेस टू इट, यू नो। बटर गार्लिक प्रॉन्स हो या फिश हो, कबाब प्लेटर तो है या सॉसेज हो, अब सब यहाँ पे इंडियन है। चाइनीज फूड भी जो है दैट इज ऑल्सो इंडियन है, हार्डकोर। And one more thing I have to tell you. Yeah. It's about the Iranis. Irani restaurants, all over Mumbai, you will notice, are corner restaurants. Do building ke corner, building ke corner. Kyunki kehte the purane zamane mein Hinduon mein gaumukhi property nahi, gaumukhi. Narrow aage piche broad. Yeah.
प्रॉपर्टी अशुभ होती है हाँ तो ईरानी लोग तो हम तो शुभ मानते हैं उसको हिंदुओं में शुभ नहीं नहीं गौमुख की जो प्रॉपर्टी कभी खरीदते नहीं अच्छा नहीं शेरमुख की नहीं खरीदते ना अच्छा ऐसा है सामने चौड़ी पीछे नैरो शेरमुख वो नहीं खरीदते अच्छा सामने बदली पीछे चौड़ी वो खरीदते अभी आप लोग क्लियर करो क्योंकि हमारा नॉलेज इतना अच्छा नहीं है लेकिन इनका गांव मुंबई है मेरा गांव तो अब कोई गांव नहीं बचा मैं तो इंडिया का रहने वाला हूं दिस इज माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दिस सो ऑल द ईरानीज हु आर ज़ोरास्ट्रियंस और मुस्लिम्स हैड नो प्रॉब्लम तो उन्होंने सब कॉर्नर रेस्टोरेंट्स उनके ईरानी रेस्टोरेंट जो आइकॉनिक ईरानी रेस्टोरेंट है ज्यादा करके कॉर्नर पे लवली पर अगर आप मराठी फूड को कैटेगराइज करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप मराठी फूड क्या है व्हाट इज द हाईलाइट एक तो स्पाइस लेवल्स बहुत है वो तो सबको पता है सबको पता व्हाट एल्स लेकिन मेरा एक कंप्लेन है कि हम लोग महाराष्ट्रियन फूड बोलते हैं लेकिन महाराष्ट्रियन फूड जैसे कुछ होता नहीं है ज्यादा करके बंबई में मालवनी फूड फेमस है राइट लेकिन मालवन एंड आई कीप सेइंग दिस इज अ वेरी स्मॉल विलेज लेकिन यू गो टू खंदेश एरिया यू गो टू साउजी नागपुर बिल्कुल very very different cuisines hai marathi food is different and then malwani is there of course so konkan region mein main ja raha hu malwan ke aas paas main jaunga kolhapuri completely different puneri is also completely different aur ending coast mein aapko zyada coconut milega ha kyunki coastal area hai bilkul spices change the souring agents also change as you go up and down the coast कहीं आम डालते हैं करी में कहीं कोकम डालते हैं कहीं इमली डालते हैं राइट ऑल चेंजेस कंटिन्यूस पर इंडिया में एक खास बात है सो मेनी ब्यूटीफुल स्टोरीज एक बड़ी लवली कहानी है कि हिमाचल प्रदेश में एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारे खाने में कोकोनट डलता है एक भी कोकोनट ट्री नहीं है आप बताओ क्यों कैसे देवभूमि तो सब लोग पूजा के लिए नारियल लेके आते हैं लाखों लोग तो वहाँ पर हजारों साल से लाखों नारियल लाके चढ़ाए जा रहे हैं तो उनका सारा कुजीन में कोकोनट ही कोकोनट व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग व्हाट अ फैंटास्टिक लिटिल पीस ऑफ फैंटास्टिक दैट इज तो अभी ये खाना डिमोलिश होता रहेगा हाँ। हिस्ट्री और केमिस्ट्री और फूड के बारे में बातें होती रहेगी आप देखते रहिए थैंक यू कुणाल सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन यू आप मेरे शो पे आए चार चांद लग गए और थोड़ी हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन मिल गई थोड़ी थोड़ी और जब भी बुजुर्ग आते हैं तो दिल को ठंडक मिलती है और बाबा और बुजुर्ग थोड़ा नॉलेज का शो ऑफ भी करते हैं हाँ थोड़ा नॉलेज का शो ऑफ करते हैं तो कमेंट्स में डालिएगा कि गौमुखी ज्यादा अच्छा है कि शेरमुखी और हम दोनों आपको प्रेजेंट करेंगे हमें पहले से ही पता था और अगर गालियां देनी है तो दे दीजिए क्या गालियां तो मिलती है एंजॉय द गिव मी सम मोर ऑफ दैट शेजवान नो